सांस्कृतिक में भी प्रतिवर्ष हम निवेदन करते हैं, और अब तो वैष्णव लोग कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, फिर भी क्योंकि हर वर्ष नए वैष्णव जुड़ते हैं, नए साधक आते हैं, इसलिए नए साधकों के लिए कुछ सामान्य से नियम हैं जिनको उन्हें पालन करना चाहिए। पहली बात यह है, वे यदि धाम में हैं, किसी भी धाम में, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड आदि, तो कोशिश करनी चाहिए कि पादुका ना पहने, और धाम में आए कार्तिक में तो पादुका ना पहने। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इसी मास में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को मटकी फोड़ने के जुर्म में, माखन चुराने के अपराध में रस्सी से बांध दिया था, और बांधने से कन्हैया उस उखल को सरकाते हुए अर्जुन के दो वृक्षों के बीच में से निकले थे, और वो दोनों वृक्ष गिर गए थे, जो कुबेर के पुत्र थे, और वे अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करके श्राप से मुक्त होके अपने अपने धाम को चले गए थे। इसलिए इसको वैष्णव रीति में दामोदर मास कहते हैं। इसलिए दामोदराष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें, दामोदराष्टक का पाठ इस दामोदर मास में होना ही चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी की भी दीपक जलाएं, सुबह शाम एक समय जलाएं, 108 परिक्रमा करें। 108 ना कर पाए तो सुविधा अनुसार, अपनी आयु अनुसार कम करें, श्रद्धा सहित करें, भाव सहित करें। वृंदावन में हैं तो वृंदावन की परिक्रमा प्रतिदिन कर लें, प्रतिदिन ना कर पाए तो कोई वार निश्चित कर लें, हफ्ते की हफ्ते कर लें, मंगल की मंगल कर लें, एकादशी को कर लें, पूर्णिमाशी को कर लें, परिक्रमा होनी ही चाहिए। और जो बाहर से यदा कदा कार्तिक में आएंगे 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उन्हें चाहिए कि वे वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करें। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का वर्णन है, भागवत में भी है, गोपाल चंपू में भी है, दूसरे ग्रंथों में भी है, उसका भी पाठ करना चाहिए और उसके रहस्यों को समझना चाहिए कि ये दामोदर लीला क्या है। और नहीं हो तो श्रीमद् भागवत है, श्री गीता है, अपने अपने संप्रदाय की वाणियां हैं, जो भी हैं, उनका पाठ कर लेना चाहिए। यथासंभव गौ सेवा करें, यथासंभव संत सेवा करें। संत सेवा में भी आप समझें कि ऐसा नहीं दाल चावल रोटी खिला देना संतों को, यही संत सेवा है। संतों के निकट जाएं, देखें, समझें। उनको यदि वस्त्र की दिक्कत है, उनके घर में कोई झाड़ू नहीं है, उनके घर में एक चटाई चाहिए, उनके ठाकुर जी के लिए अमनिया चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यकता है जो भजन में सहायक हो। संत को कभी रजोगुण राजसिकता मत परोसिए। संत को एक बढ़िया सी 1200 रुपए की रजाई मत दीजिए, विलासिता हो जाएगी, संत उसको झेल नहीं पाएगा। उसको तो 100-200 वाली गरम शॉल, जिसमें शोभा हो ना हो, प्रयोजन होना चाहिए। तो संत सेवा करें। 1 घंटा, आधा घंटा यथासंभव ताल लेके या 2-4 लोग मिलके संकीर्तन करें कार्तिक मास में। नियम वही लें जो निभ पाए, छोटे छोटे नियम लें, उनको निभाएं, फिर बड़ा कर लें। आपको ऐसा लगता है कि हमने हफ्ते में एक परिक्रमा का नियम लिया था, आज फुर्सत है, लगाइए एक और परिक्रमा। एकादशी का व्रत जरूर रखें, आहार पर ध्यान रखें, सादा हल्का और मात्रा में कम, थाली में 2 या 3 से आइटम अधिक ना हो, कम से कम आहार लें, सादे से सादा आहार लें, तामसिक वस्तुओं का सेवन बंद कर दें, बैगन न खाएं, लाल मिर्च न खाएं, अचार न खाएं, मसाला, बाजार का भोजन, होटल का भोजन न खाएं, भोजन यथासंभव शुद्ध होना चाहिए,
सात्विक होना चाहिए, जिससे मन में सात्विकता बनी रहे और भजन होता रहे। यह बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो तो जमीन पर सोएं। जमीन पर साधारण एक गद्दा बिछा के जमीन पर सोएं। सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक उठ जाएं, स्नान ध्यान करके ठाकुर की मंगला आरती करें। ठाकुर की मंगला आरती करके अपना नियम करें, अपने जो विशेष नियम है, क्योंकि देखिए दिनचर्या 10-11 बजे शुरू हो जाती है, तो अपना जो एकांत वाला काम है, परिक्रमा तो कोई बात नहीं, आप 10 बजे बात कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका नियम है उस नियम को आप 10-11 बजे से पहले निपटा लें, नहीं तो फोन आना शुरू होते हैं, लोग आना शुरू होते हैं, एनवायरमेंट में भी एक अलग तरह का वातावरण शुरू हो जाता है। आप कभी अनुभव करिए 4:30 बजे उठ के, 4:30 से और लगभग 10 बजे का समय शांत होता है, और बल्कि इधर 8 बजे बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वातावरण में चंचलता बढ़ती है, मन की चंचलता बढ़ती है। तो प्रातःकाल उठकर अपने गुरु मंत्र, अपना दामोदराष्टक, अपने जो पाठ आदि के नियम हैं, जप आदि के नियम हैं, यथासंभव 1,00,000 नाम जप करें, 64 माला, 64 ना हो पाए 32 करें, 32 ना हो पाए 16 करें, जो एक भी नहीं करते हैं वो 6 करें, 8 करें। ये तो क्लास है, देखिए यदि आपने प्रवेश लेना है तो 2 माला से भी प्रवेश ले सकते हैं, और यदि आप 10-20 साल से माला कर रहे हैं तो 64 माला तो आपको करनी बनती ही है। साधक करते हैं, साधक तो 128 माला भी करते हैं, 3,00,000 नाम भी करते हैं। इसलिए यथासंभव अपनी दिन को, अपने जो समय है उस समय को आप भगवत विषय में लगाएं। ठीक है, आप व्यापार करते हैं, व्यापार भी करें, लेकिन व्यापार से अतिरिक्त अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, फालतू में बैठ के गप मारना छोड़ दीजिए, टीवी देखना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया हो सके तो छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, देखें तो उसमें अध्यात्म वाले ही 1-2 ग्रुप देखें, फालतू की चीज़ों को कम करिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दुकान जाना बंद कर देते हैं, नहीं दुकान तो जाना ही है, जो फालतू के काम है, दुकान कितनी, 8 घंटे 10 घंटे 24 घंटे हैं हमारे पास, हमें नींद को कम करना चाहिए, हमें गप्पबाजी को बंद करना चाहिए, हम जहां अपना समय व्यर्थ करते हैं उनको बंद करना चाहिए, न कि दुकान को या घर के कामों को बंद करना चाहिए। घर के काम अधिक नहीं होते हैं, हमारा अधिकतर समय फोन में और फालतू की बातों में जाता है, जिनसे हमें बचना चाहिए, और कार्तिक में जितना अधिक हो सके भगवत स्मरण करना चाहिए। कार्तिक की अधीश्वरी प्रिया जी हैं, श्री राधा जी हैं, और राधा जी थोड़े से भजन को भी बहुत मानकर अपनी कृपा करुणा अधिकारी पर, अनधिकारी पर, पात्र पर, अपात्र पर, कुपात्र पर उड़ेल देती हैं, और श्याम सुंदर की चरण सेवा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक माह आप सभी के लिए शुभ हो, आनंददायी हो और मंगलमय हो, भगवत भक्ति परायण हो, भजन बढ़े, ऐसी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।